अभी हम खड़े हैं इसके कैंपस ग्राउंड, तो ये इसका छोटा सा कैंपस ग्राउंड है। यूजुअली जो ढाका के अंदर जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनके कैंपस नहीं होते हैं, डायरेक्टली बिल्डिंग होती है। एटलीस्ट इस कॉलेज का छोटा सा एक कैंपस साइड है, जैसे सामने जो ये एरिया है इसमें गार्डन वार्डन लगा के, गार्डन वार्डन है तो इनका एक कैंपस एरिया है थोड़ा सा। और अब आ जाते हैं मेन बिल्डिंग्स में क्या क्या है। तो ये बिल्डिंग है, तो ये है इनकी हॉस्पिटल बिल्डिंग, दिस इज हॉस्पिटल बिल्डिंग। और इसके साइड में जो ये वाली है, ये है एडुकेशनल बिल्डिंग, ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग राइट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। बाकी ये है इनका गर्ल्स हॉस्टल है जो साइड में है। तो चलिए अभी कॉलेज को अंदर से विजिट करते हैं, क्या है क्या नहीं है, कितने इसमें डिपार्टमेंट है, कैसे डिपार्टमेंट है। शायद अगर अभी तो छुट्टी हो चुकी है, होपफुली हम क्लासेस भी विजिट करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। तो अपने साथ आज अपने छोटा भाई है एक मुश्ताक, ही इज फ्रॉम असम। और अभी मुश्ताक कौन सी ईयर में? थर्ड ईयर। तो मुश्ताक है थर्ड ईयर में, तो अभी मुश्ताक हमें गाइड करेगा पूरे कॉलेज के बारे में कि क्या क्या है इस कॉलेज में और कैसे कैसे है। तो मुश्ताक आज दो काम करने वाला है मुश्ताक। हाँ। एक तो तुम कैमरा पकड़ोगे तो एक तो तुम कैमरामैन हो गए, और दूसरे हो गए हमारे गाइड, जो कि पूरे कॉलेज के बारे में बताएंगे भैया ये चीज है यहाँ पे, जिससे सबको अच्छे से समझ में आ जाएगी इस कॉलेज में क्या है। अच्छा, इसके कॉलेज की फीस क्या है? 33 लाख्स में आता है, 35 लाख्स एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फीस और वो सब। ओके, फाइव ईयर का अगर मतलब हम लोग सोचे तो अराउंड 45-50 लाख्स जाता है, 45 प्लस। हाँ, 45 प्लस चला जाता ना, बट कंसल्टेंट्स का होता है, वो लोग ऐसे करते रहते हैं कि ऐसा है एक्चुअली जो है 45। बट इसका जो फर्स्ट जो पेमेंट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो क्या है लगभग $26,000 ना। हाँ ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जस्ट जो इसका जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है, इस हॉस्पिटल बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। तो ये क्या है? इमरजेंसी। इमरजेंसी है, दिस इज रिसेप्शन, ये रिसेप्शन टेबल है, ये फार्मेसी है, दिस वन इज फार्मेसी, इमरजेंसी, दिस वन इज इमरजेंसी। ओके, वन इज फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं? मेडिसिन के डॉक्टर यहाँ बैठते हैं ना, और यहाँ डर्मा आई है ना। ओके, इधर डर्मा दिस वन इज डर्मा डिपार्टमेंट राइट। ओके, ये हो गया आई डिपार्टमेंट, ये सैंपल कलेक्शन, ये आपका कनेक्टिंग ब्रिज है, ये क्या है? कनेक्टिंग ब्रिज। ओह, दिस वन इज कनेक्टिंग ब्रिज ना, ये पता है हमारे कॉलेज में भी होने वाला है। हमारे कॉलेज में भी जो दो बिल्डिंग्स हैं, एक तो हमारी मेन जो मेन बिल्डिंग और एक नई बिल्डिंग है, तो उसमें भी ऐसे दोनों बिल्डिंग्स में कनेक्टिंग ब्रिज बनाने वाले हैं। सो राइट नाउ वी आर ऑन द कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन दोस टू बिल्डिंग्स, एक तो हॉस्पिटल बिल्डिंग है और एक एकेडमिक बिल्डिंग है। दिखा देता हूं यहां से, दिस वन इज एकेडमिक बिल्डिंग एंड दिस वन इज हॉस्पिटल बिल्डिंग, तो इन दोनों के बीच में ही है और कनेक्टिंग ब्रिज है। इससे हेल्पफुल ये रहता है कि अगर आप जैसे वार्ड करके आ रहे हो ना, तो डायरेक्टली यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो, तो कंपैरेटिवली इजी पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग कम है अपने में। अभी ये बनने वाला है, यहाँ पे एक्सरे सीटीसी ना। हाँ ठीक है, ओके, दिस वन इज डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट, दिस वन इज लेबोरेटरी, लेबोरेटरी फॉर इसलिए सारे के सारे सैंपल कलेक्शन किसी भी टाइप के हो सारे एक साथ ही अंदर है, तो इसमें जाना अलाउड नहीं होता एक्चुअली, कुछ चीजें ऐसे जहां हम नहीं जा सकते। हो गया आई, ब्लड बैंक है इधर, और ऊपर है आपका ओटी, ऊपर ओटी है, ठीक है चल। तो दिस वन इज फॉर ओटी, ऑर्थोपेडिक वार्ड ना, ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। जा रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग जा रहे हैं मेडिसिन वार्ड, उसके बाद जाएंगे सर्जरी वार्ड, उसके बाद एकेडमिक बिल्डिंग, डायरेक्ट एकेडमिक, ठीक है चलो। तो दिस इज मेल वार्ड, अभी अंदर पेशेंट को दिखाना अच्छी बात नहीं है, जैसे दिस वन इज सर्जरी वार्ड, ये तो मैं वीडियो कैसे डाल दूंगा। डेड बॉडीज के लिए यहाँ पे, अच्छा ये लिफ्ट डेड बॉडीज के लिए, पूरा लिफ्ट डेड बॉडीज के लिए, इसमें सिर्फ डेड बॉडीज आएगा यार ये तो अच्छा है, मेरे को तो इसमें पहली बार पता लगा है। दिस इज फॉर डेड बॉडी, इसमें आदमी जिंदा आदमी नहीं जा सकता इसके साथ, जिंदा आदमी के सामने वाले से जाएगा, डेड बॉडी इससे जाएगी। ये है यहाँ पे हम एकेडमिक बिल्डिंग में, इससे पहले जितने भी सारा आपको जो मैं दिखा रहा था वो था हॉस्पिटल बिल्डिंग, तो अभी ये एकेडमिक बिल्डिंग है जिसमें एंट्री करते ही सबसे जाता है कैंटीन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना खाना खा सकते हैं, आपका लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक कितने बजे होता है तुम्हारा? लंच ब्रेक अराउंड 1 से 1:30। कॉलेज कितने बजे स्टार्ट होता है? कॉलेज 8 बजे से, थर्ड ईयर तक 8 बजे, फोर्थ ईयर से 7 बजे।
ना ना सुबह सुबह 7:00 से। आप फाइनली आप खाना खा सकते हैं बस ये। तो कैंटीन कितनी है आपकी यहाँ पे टोटल? कैंटीन 3। कैंटीन 3 है और कहाँ इसके अलावा? एक है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में, एक ऊपर 6 फ्लोर में और एक स्टेट बिल्डिंग में। अपना खाना है ये तो मैं, ये तो कैंटीन है। अच्छा तो अच्छा सब डीओ होता है या कुछ भी देना होता है तो आपको बोरी यहाँ पे खाली करनी है गाइस। अपनी बैंक जो खाली करनी है आपको इधर करनी है, टीडीएस के लिए। टीडीएस के लिए बैंक यहाँ खाली होगी आपकी जो भी है, आप एडमिशन जो करवा रहे हो जमीन ज्यादा है। दिस वन इज कॉन्फ्रेंस रूम बैंक, ठीक है। देन यहाँ से ये वाइस प्रिंसिपल, ओके। जो फॉरेन स्टूडेंट्स अफेयर जो होते हैं वो सारे इधर हैं। उनका शुरुआती इधर से होता है। तो फर्स्ट ईयर में जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो उसमें बेसिक जो आप जो आओगे तो सबसे पहली क्लास रूम यही है। तो मेन ट्यूटोरियल भी होते हैं, ट्यूटोरियल के लिए रूम अलग है। तो फिर यहाँ क्या प्रैक्टिकल? ओनली प्रैक्टिकल की जाता है, कभी कभी ट्यूटोरियल भी होता है कभी। हाँ जैसे ये इधर देखा होगा, तो ये जैसे यहाँ पे आप बैठ के तो होता क्या है कि जैसे एक बैच में 90 स्टूडेंट्स हैं, जैसे में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो पर इसमें से लगभग 27-28 सीट जो है वो फॉरेनर्स की हैं। तो ऐसे जो 60 स्टूडेंट्स के बीच में बैच बन जाता है, कितने बैचेस होता है टोटल? दो तीन बैच। एनाटॉमी में दो बैच, बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी तीन बैच होता है, ठीक है। 20 हाँ ठीक है। तो ऐसे करके तीन बैच डिवाइड करके तो 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बैच बैठ गया, और फिर वो एक उनके ऊपर कंप्लीट एक ट्यूटोरियल टीचर होता है जो उनको पढ़ाता है कि आपको आइटम कल क्या पढ़ के आना है और फिर क्या आपको फिर आइटम देना है। वो सारा जो काम होता है ट्यूटोरियल टीचर का होता है। और जो कंप्लीट एक बैच का जो लेक्चर लेता है वो होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो लेते हैं आपका लेक्चर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गई अपनी बायोकेमिस्ट्री लैब। इसके अलावा और भी कुछ खुला हो तो वो भी देखना है अपने को, हमारी ऑडियंस सब कुछ देखना चाहती है इस कॉलेज का। चलिए आप लाइक करिए, पर है ना, आप लाइक करके रखिए और सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और बातों को शेयर भी कीजिए जिनको चाहिए मुझे। अभी सारा कुछ बंद हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट आए हैं यहाँ पे, है ना। बट मैं आपको फिर भी एक टेक्निक से पूरा कॉलेज दिखा देता हूँ। आइए यहाँ से शुरू होता है कॉलेज, ये इसका ग्राउंड फ्लोर। इसके बाद हम हैं 7th फ्लोर पे, और इसके बाद यहाँ 7th फ्लोर से स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर का ना। फर्स्ट ईयर पूरा 7th फ्लोर, फर्स्ट ईयर का होता है 10th फ्लोर पे एनाटॉमी, ठीक है, और 8th फ्लोर में होता है बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी, ओके। और यहाँ के बायोकेमिस्ट्री ना 7th फ्लोर पे, ठीक है। तो इस तरह से फिर सीरियली 14th फ्लोर तक जाता है, 14th फ्लोर तक जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है अलग अलग कोर्स में, ठीक है। तो वहीं उनके सर जैसे पैथोलॉजी, जैसे मुझे यहाँ मुझे यहीं से दिखा पैथोलॉजी, ये दिखा, ये मुझे पैथोलॉजी दिखा है डिपार्टमेंट, ये लिख रहा पैथोलॉजी, ये रहा ये पैथोलॉजी है। तो इसी तरह से ये पूरा ऐसे 14 फ्लोर तक जाएगा, राइट। 13 फ्लोर पे नर्सिंग का है, 13 फ्लोर पे नर्सिंग का है। उनका क्लास कितने बजे होता है? नॉर्मल नॉर्मल टाइम होता है, 8 बजे से 2 बजे तक, सेम टाइम। ये क्या है? ये फार्मेसी है, यहां पे डॉक्टर्स बैठते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम बाहर जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। कैंटीन तो मैंने आपको उधर दिखाया था, और एक हम यहाँ से सामने से एग्जिट से निकल के आ रहे थे, वो है पूरा ग्राउंड है, तो इसमें से एग्जिट है उधर, तो यहाँ पे भी एक कैंटीन है, वो क्या है? ओके ओके ओके। अच्छा यार बहुत बड़ा कॉलेज है यार, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, तो इस मौसम में भाई अपने को मिला है, तो बहुत मेहनत करके भाई ने अपने को अपना कॉलेज दिखाया है। तो अभी इसमें बाकी रह गया इनका हॉस्टल, राइट। तो हॉस्टल का भी तुम बता दो, तो हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा है, इस कॉलेज का ओवरऑल एक एक्सपीरियंस बताओ। अभी कॉलेज का फर्स्ट में एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, नॉर्मली होता है वो सब क्लास से आता है, लेकिन बाद में लाइक यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छा है, ओके। प्रेशर है, स्ट्रिक्ट है, लेकिन एजुकेशन बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली है। हाँ हाँ वही है, देखो हर कॉलेज में यही चीज है कि आपको बहुत बहुत बुरी तरह हालत खराब कर दी जाएगी आपके 1.5 साल तक, तो ऐसा लगेगा आप पूरा एकदम डिमोटिवेट होगा, इलिजिबल ही नहीं होगा, ये नहीं होगा, फेल कर रहे हैं धुआंधार, लेकिन फाइनली उनका जो एक जो फेस होता है ना वो चेंज हो जाता है प्रॉफ के टाइम पे जब फाइनल एग्जाम होता है। तो यही है, सब एजुकेशन भी अच्छा है, और अभी इसमें से कोई बैच निकला नहीं है ना FMG के लिए, तो ओके अभी FMG के लिए नहीं निकला है, और ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे कॉलेज में अभी जैसे इन ईयर से अपना जो FMG का जो है वो अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल से स्टूडेंट आने लगे, इससे पहले हम भी तो आए हैं। तो मेन उस कॉलेज का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, लोकेशन अच्छा होना चाहिए। तो अभी जैसे इस कॉलेज का लोकेशन, ये मेरे कॉलेज से जस्ट थोड़ा सा
मेरा कॉलेज कितना 2 मिनट ये बिल्डिंग ये जो हाँ ये जो बिल्डिंग है इसकी बिल्डिंग के पीछे मेरा कॉलेज है और ये इधर है। तो ये जो लोकेशन है पूरी ये जो एरिया है ये बहुत अच्छा एरिया है। इतना फ्लो रहता है पेशेंट्स का कि कमी ही नहीं है पेशेंट्स की इधर। और फिर एक लिविंग भी होता है ना, आप 6 साल यहाँ पे रह रहे हो तो 6 साल रहने के लिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप अपना एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो, है ना, थोड़ा सा एक कम्युनिकेटिंग जगह हो, रहने लायक जगह हो, थोड़ा आप ऐसा नहीं हो हर टाइम पढ़ते ही रहोगे, आपको थोड़ा चिल भी करना है, दोस्तों के साथ घूमना भी है, तो ऐसा भी जगह। खाने का क्या है यार हॉस्टल में? हाँ मतलब यहाँ पे अराउंड पर पर्सन 3000 टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने खुद अरेंज किया है, खाला आती है तो मैंने भी हम लोगों ने खुद अरेंज किया है। लाइक वीक में दोपहर में एवरीडे नॉन वेज रहता है, ब्रेकफास्ट वो अपने आप मतलब खुद करते हैं हम लोग, और दोपहर लंच में एवरीडे नॉन वेज रहता है, 3 दिन चिकन, 3 दिन मछली, 1 दिन अंडा। अच्छा, और जो वेज स्टूडेंट है उनके लिए? वेज स्टूडेंट उनके लिए अलग है, वो अलग शेड्यूल बना। अभी फिलहाल है वेज स्टूडेंट? अभी वेज स्टूडेंट हमारे यहाँ पे तो नहीं है कोई। ओवरऑल कॉलेज काफी अच्छा है, मैंने पूरा विजिट किया है, तो अगर इसमें स्टार देना चाहें तो 5 out of मुझे लगता है 4 star इट्स ओके, है ना, तो क्योंकि एजुकेशन अच्छा ही है, लोकेशन अच्छा है, पेशेंट फ्लो तो बहुत ही अच्छा है, और खाने बहुत ज्यादा हाँ पेशेंट अच्छे हैं, और खाने का जो है वो नॉन वेज को तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाँ वेज स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकता है, तो वही है कि वेज स्टूडेंट को अगर जो स्ट्रिक्ट वेज है ना, प्योर एकदम स्ट्रिक्ट वेज है, वो तो इस कॉलेज के लिए मतलब मैं यही रिकमेंड करूंगा वो इस कॉलेज को चूज ना करें, बेटर है। अगर आएंगे भी तो मैनेज हो जाएगा, मैनेज हो सकता है वो बात है, बट उसके लिए मुझे लगता है वेज का अपने कॉलेज में ज्यादा बेटर है, तो अपने कॉलेज का वेज अच्छा। उसके लिए अपने अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन टेक्स्ट मी विदाउट एनी इश्यू। और एक दिन है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं अभी अनवर खान जाऊंगा, और ढाका सेंट्रल का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और ढाका सेंट्रल का जो वीडियो है वो आप जाके देख सकते हो, मैं इसमें लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अभी बाकी हॉस्टल का व्यू है वो भी दिखा दूंगा, बहुत सारे कॉलेज को मैं विजिट करने वाला हूँ, तो जो जो कॉलेज का मैं सारे कॉलेज का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। बताएं।